ओके बेटा, इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास की बेसिक लोगो अगर आपको इज अ समलने डेमो पर्पस के लिए चाहिए होता है तो आप यूज कर लेते हैं और बना लेते हैं। अब उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं, फ्री लोगो जो है आपके किसी वेबसाइट से उठा लो, कुछ कस्टम भी वेबसाइट्स अलाउ करती हैं कि बना लो। कॉन्सेप्ट क्लियर? वैसे तो मेजोरिटी हम कोई प्रोफेशनल टूल है जैसे इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, उसको बना रहे होते हैं। हमारे पास वैसे कुछ अगर आपको फ्री में लोगो चाहिए तो वो भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो इतनी क्वालिटी के नहीं होते। सही है? अच्छा, अब हमारे पास जैसे मैं आपको ये यहाँ पे जो मेरे चैनल का लोगो है वो भी मैंने फ्री में बनवाया हुआ है किसी वेबसाइट से। बनवाने से मकसद जो बना हुआ था उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके मैंने यूज कर लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, अब ये कौन सी वेबसाइट थी उसका भी मैं बता देता हूँ। डाउनलोड्स के अंदर पड़ा होगा कहीं ना कहीं लोगो, वैसे ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो बेटा एक बताया मैंने कैनवा, और दूसरा आप किससे बना सकते हो? एक और मेरे पास वेबसाइट है जो आपको दिख रहा है चैनल का लोगो, आपको इसी तरह से हैच फॉल के नाम से एक वेबसाइट है जो शॉपिफाई से बनी हुई है। ठीक है, ये सीएमएस है शॉपिफाई, जो आप समझ ले ई कॉमर्स की वेबसाइट है ना बेटा, वो मेजोरिटी इसी से बना रहे होते हैं शॉपिफाई से। या वर्डप्रेस सुना है, उससे भी बना सकते हैं। शॉपिफाई भी आप ई कॉमर्स के लिए होती है, वर्डप्रेस थोड़ा सा समझ ले हर तरह के वेबसाइट के लिए यूज हो जाता है। कॉन्सेप्ट के लिए? अच्छा, ये देखें बेटा, अब यहां से आके आपको बोल रहा है कि कौन सा लोगो आप जो है वो चूज करना चाहते हैं कि आप बेटर से बेटर डिजाइन चूज कर लें। अच्छा, शॉपिफाई आप समझ लें जिससे ये वेबसाइट बनी गई है, वेबसाइट का नाम क्या है? हैच फुल है। सही है? हैच फुल है, राइट? हैच फुल नाम है ना, हैच फुल नाम है वेबसाइट का जो आपकी यहां पे नजर आ रही है। और आप यहां पे आके क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी जो है वो लोगो क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ये कौन से सीएमएस से बनी हुई है? शॉपिफाई से। ठीक है, वेबसाइट का नाम ये है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको किस तरह का लोगो चाहिए? जैसे मैं कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, तो मैं टेक पे क्लिक करूंगा बेटा। टेक पे क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट करूंगा, तो नेक्स्ट करने के बाद यहां से आके आपसे पूछ रहा है कि आप विजुअल स्टाइल चूज करें, किस तरह का स्टाइल चाहते हैं। अब विजुअल स्टाइल के अंदर आप बताते हैं कि किस तरह की आप फॉर एग्जाम्पल आप डिजाइन चाहते हैं, बोल्ड या इस तरह की। तो बहुत सारी यहाँ पे डिजाइन गिवन है, मैं यहाँ पे आके कोई भी जो है चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डिसाइड दिस वन, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब आपसे पूछ रहा है बिजनेस का नाम, जैसे आप अगर फॉर एग्जाम्पल स्लोगन इस तरह से, जैसे मेरे चैनल का नाम था आई हेट प्रोग्रामिंग, स्लोगन क्या था? फॉर एग्जाम्पल स्लोगन था बट आई लव टू सॉल्व एरर्स। सॉल्व की स्पेलिंग यही होगी ना, SOLOV है, सही है? पहले सही थी, चलो यार सही है, वैसे भी डेमो है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं यहां पे आके इसको नेक्स्ट कर लेता हूं। आप कुछ भी दे दीजिएगा इन फ्यूचर जो आपको पसंद हो। ये बोला है ऑनलाइन स्टोर है आपका, कोई सोशल मीडिया का काम है, बिजनेस कार्ड है, क्या है? तो मैं इसको चले अभी के लिए क्या दे देता हूं कि ये मेरा ऑनलाइन संभलने स्टोर है, वेबसाइट है जिसका लोगो बना रहा हूं। सही? उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे फिर कुछ और चीजें देखें, लोगो के टाइप बता रहा है आपको किस तरह का लोगो पसंद है यहां से। ठीक है, आपको राउंड में चाहिए, किस तरह का चाहिए, देखें बहुत सारे डिजाइन ने दे दिए। चले अभी के लिए मैं ये वाला उठा लेता हूं। सही है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला इसको लोगो कहता हूं, मुझे दे दो। उसके बाद में क्या करूंगा बेटा, नेक्स्ट कर देता हूं। और मुझे क्या बोल रहा है, डाउनलोड करना है लोगो, मैं कह रहा हूं यस। मुझसे पूछ रहा है ईमेल दे दे, मैं इसको ईमेल दे देता हूं। पासवर्ड कुछ भी, साइन अप करते हैं इस पे। ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज, तो मैं साइन अप कर चुका हूं इस पे, तो मैं डाउन लॉग इन कर लेता हूं या कोई और वेबसाइट समझ लें ईमेल में दे देता हूं। सिंपल बट इजी 104।
ठीक है बेटा, अब ये डाउनलोड हो जाएगा लोगो, देख लेते हैं कितने टाइम में दे रहा है जी। योर लोगोस, ये बोला अगर आप शॉपिफाई से क्या बनाना चाहते हैं, स्टोर बनाना चाहते हैं तो ऑनलाइन ई कॉमर्स का स्टोर भी बना सकते हैं। ऑल डन, योर लोगो पे के डिजाइन सेंड की गई है कहां पे, जीमेल पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अब मैं यहां पे वेब ब्राउजर ऑन करता हूँ और जीमेल पे जाके चेक करता हूँ कि क्या इन लोगों ने जो लोगो मैंने डिजाइन चूज किया वो भेजा है। यस, इन लोगों ने भेजा है। कैसे, जीमेल पे जाते हैं बेटा और लॉग इन कर देते हैं यहां पर। सिंपल बट इजी 104 था, 104@gmail.com। पासवर्ड में दे देता हूं। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बेटा, ये लॉग इन हो चुका है। अब यहां पे देख लेते हैं किसने भेजा है या नहीं, अभी तक आया है नहीं। तो शायद ये कुछ टाइम के बाद आ जाए। वन जीरो फोर ही दी थी ना ईमेल। अच्छा जी, 104 जीमेल पे, इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। चलें इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये ईमेल आ जाए। उसके अलावा हम जब तक कैनवा पे भी बना लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। ओके बेटा, अब आ जाते हैं कैनवा पे। कैनवा आप गूगल पे लिखोगे कैनवा, पहले आपके पास एक पहली पहली लिंक शो हो जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे आ जाएंगे। चलो मैं फिर से क्लिक कर देता हूं यहां पे। अब आपको क्या बनाना है बेटा, लोगो बनाना है। तो यहां पे आके आप इसको बताएंगे कि मुझे यहां मोर पे जाके यहां सेलेक्ट करें मुझे लोगो बनाना है। वैसे इंफोग्राफिक भी बना सकते हो, मुझे लोगो बनाना है तो यहां से लोगो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें यहां पे गिवन है, देखिए वेबसाइट भी बना सकते हो आप कैनवा पे। यूट्यूब के जो ज्यादातर आप थंबनेल देख रहे होते हैं वो सारे मैं यहीं से बना रहा होता हूं, ठीक है। अब मैं यहां से एक काम कर लेता हूं, मैं इसको लिख देता हूं लोगो और एंटर करता। अब जैसे ही लोगो लिख के एंटर करोगे तो आपको ये कुछ बने हुए डिजाइन जो कुछ फ्री में होंगे कुछ पैसों पे होंगे सारे दिखा देगा। अब आपको किस तरह का लोगो चाहिए यहां पे आके आपने वो सर्चिंग कर ले ली। अच्छा, अब आपको पहले बताना है कि किस तरह का फिल्टर लगाना है जिससे वो आपको लोगो दिखाए। जैसे मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल किसके लिए भाई, मैं कह देता हूं ई शॉप है मेरा, तो देखिए ई शॉप के हिसाब से लोगो आ रहा है, सही है। इसी तरह अगर आपका कोई इसी तरह का कंटेंट या आप सब्जेक्ट है जो वेबसाइट का है, चैनल का है, जो भी है, आप यहां पे आके बता सकते हैं। ये देखिए शॉपिंग के हिसाब से चीजें बता रहा है ना, जैसे ये लिखा हुआ है प्रिंट शॉप है, ठीक है, इस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहां पे आके आप अपने नाम से लोगो बना लो, सही है। मैं कह देता हूं अली का शॉप है ये, अली शॉप। अच्छा, यहां पे जो टेक्स्ट लिखा है लाजमी नहीं है टेक्स्ट भी यही हो। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं बेटा, इसको पहले थोड़ी साइज बढ़ा दो ताकि ये सही से नजर आए। यहां पे आके इसका साइज या सॉरी इसकी क्या है जो फोन्ट की स्टाइल है वो भी अपने मर्जी की चूज कर सकते हैं। सपोज आई एम गोइंग टू चूज दिस वन, सही है, या आपको जो पसंद हो यहां से आके अपने मर्जी की वो उठा सकते हैं फोन साइज। कुछ ढंग की उठा लेते हैं जो सही से दिखे। ये इस तरह से इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे, सिलेक्ट करके
यहाँ पे देखिए बी ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पे है ना प्लस, इस तरह से ये कम करना है तो फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं। इसको मिडिल में दिखाना है तो यहाँ से आके आप इसको सेंटर अलाइनमेंट जो है वो आप दे सकते हैं। इफेक्ट कुछ अप्लाई करने तो वो कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये रहने दे। नीचे लिखा हुआ है साइन इन एंड साइन एंड डिजिटल, वट एवर आप कुछ और लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। अच्छा ये आपको यहां पे क्या शो हो रहा है, ये इसका समझ लें कि आपका शेप है, वो शेप भी मर्जी का दे सकते। आंसर क्लियर हो गया, ये शेप अभी गिवन है ना। अब यहां पे काम करो, एलिमेंट्स में जाओ, यहां पे आपको बहुत सारे शेप मिलेंगे जो दिल करे यहां पे दे सकते। आंसर क्लियर है, मैं यहां पे शेप्स पे क्लिक करने के बाद सर्च कर लेता हूं, मुझे शेप चाहिए फॉर एग्जांपल किस तरह का चाहिए। आपका ये फोटो स्टेट का है ना, फोटो स्टेट कुछ और क्या रहा है, क्या क्या रहा है। अच्छा जी बेसिक पे जा देते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, कोई भी शेप में उठा लेते हो यहां से जो बिल्ट इन गिवन है। ये शो हो रहा है ना, सी ऑल पे क्लिक करते हैं, ये देखिए बहुत सारे शेप भी मिले बेटा। यहां से आके जो आपको पसंद हो अपने मर्जी का शेप उठा के अप्लाई कर सकते। अभी तो मुझे लगता है जो अप्लाई है वही बेहतर है, वरना मैं सिर्फ बता रहा हूं कि यहां से आके अपने मर्जी का शेप उठा सकते। चले एक मैं कुछ और चीज ऐड कर लेता हूँ इसमें ना, यहां से आके ये एक लाइन अप्लाई कर देते यहां पे या यहां पे, ठीक है सिर्फ समझाने के लिए। आप चाहें तो इसके कलर कंट्रास्ट भी अपने मर्जी के दे सकते हैं, अभी जो है वही रहने देते। तो इसको भी हटा देते हैं, अली शॉप ही काफी है, तो इसको यहां पे कर देते हैं, नाम ही काफी है जो बात है। ठीक है बेटा ये लोगो बन चुका, अब इसको अभी के लिए डाउनलोड कर लो। मैं जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करता हूं तो अच्छा अगर आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करोगे तो क्या बोलेगा ये आपके, पैसे दो, है ना। ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह बता दूंगा इसका प्रीमियम 1 मंथ के लिए कैसे ले लेते हैं, और उसके 1 मंथ के बाद फिर से आप क्या कर लोगे, दूसरे बार फिर से ट्रायल ले लेंगे, ऐसे चलता रहेगा। ओके ठीक है, यानी फ्री में ही ले लेंगे। तो अभी के लिए आप क्या कर लो, अभी विदाउट ट्रांसपेरेंट के डाउनलोड कर लो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही, फिर आप इसको रिसाइज भी कर सकोगे अपने मर्जी से और अपने मर्जी से इसको बना के डाउनलोड भी कर लो। ठीक है, मैं अभी इसको क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ बेटा। अभी बोला है साइन इन करो, तो ऑलरेडी साइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है, डाउनलोड हो चुका है। यहां पे आएंगे और आप देखेंगे कि हमारे पास ये लोगो बना किसने दे दिया, श्योर है बेटा। ठीक है, इसी तरह के आपको जो भी बेसिक लोगोस बनाना है, अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता, इलस्ट्रेटर नहीं आता, तो कोई इशू नहीं है, आप एटलीस्ट भले वो हाई लेवल का प्रोफेशनल ना हो लेकिन अपने काम तक के लोगो मिल जाएंगे और आप यूज कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कल को आपको बेसिक वेबसाइट बनानी, जाहिर है आपको अपना प्रोजेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा ना बेटा, तो तब आपको जब लोगों की जरूरत पड़ेगी तो कहां से सीखोगे, अगर आपको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर नहीं आता तो क्या आप किसी से बनवाएंगे, नहीं। आपको जो चीजें आती हैं ऑनलाइन आपको पता है अवेलेबल है, यूज कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब उसको देख लेते हैं जो दूसरी वेबसाइट से बनाया था वो आ गया है ईमेल या नहीं, अगर आ गया है या वो आ जाएगा, ये देखें आ चुका है, श्योर है। अब इस पे जाते हैं, वो आप इसको इसने ना बहुत सारी चीजें दी होंगी, सिर्फ एक नहीं होगा, सिर्फ लोगो नहीं होगा, मैंने कहा उसने लिंक्डइन आपके फेसबुक की चीजें वो सारी बना के भेजी होंगी। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं, अब ये डाउनलोड यहां पे नहीं होगा, इसने जो ये लिंक दी है ना डाउनलोड की, चले यहां पे ये एडिट के लिए, एक्चुअल में हमारा ये जो क्रोम वेब ब्राउजर है डाउनलोड में मसले खट, तो मैं ओपरा से डाउनलोड करके देख लेता हूं, वो लिंक उठा लिया मैंने डाउनलोड की, देख लेते हैं अलाउ कर रहा है वो, यस इट्स डाउनलोडेड। इस पे जाते हैं, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको बेटा, यस टू ऑल करेंगे
अच्छा इसने एक्सट्रैक्ट हेयर पे बाहर ही इस चीजों को कर लिया, मैं एक फोल्डर में कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल्स डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ मैं इसको, ओके कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे क्या कर लेगा, यहाँ पे देखेंगे आपको, माशाल्लाह इसने बाहर ही कर दिया चीजें, चलें जो भी है दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए मिल गया लोगो, ठीक है। साइजेस छोटी बड़ी एवरेज मैक्सिमम मिनिमम, आपके फेसबुक के कवर, फेसबुक के प्रोफाइल, आपके यूट्यूब का जो आपका थंबनेल है, यूट्यूब की जो आप समझ ले क्या है प्रोफाइल है, वो सबके लोगो बना के देती है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो हैचफुल भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप उससे भी क्या कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, और वो बहुत ही आपके काम के हिसाब से चीजें होंगी। हाँ बेशक डिजाइन थोड़े जाहिर है बेसिक होंगे, अब पैसे तो आप उनको दे नहीं रहे, तो फ्री में जितना मिलता है बिस्मिल्लाह, है ना इस तरह से। तो अगर आपको लोगो बनाना है अपनी वेबसाइट के लिए, तो बेटा यहाँ तो कैनवा या हेजफुल है, ऐसी आपके इसी तरह के बहुत सारे पोर्टल हैं जहां से आप जाके लोगो बना सकते हैं, अगर आपको इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप नहीं आता। चलें जी नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।